एडिशनल डीसीपी हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस तरीके से चिल्ला बॉर्डर पे देखे कि मैं आपको दिखा दूं कि बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया है। यहाँ पे रणविजय एडिशनल डीसीपी हमारे साथ खुद जुड़े हुए। सर, जिस तरीके से किसान लगातार रुख इख्तियार कर रहे हैं, अभी भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, अब तो बॉर्डर भी बंद हो गया है। देखिए, इन लोगों के बीच में कुछ न कुछ लोग आकर के कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसा कि अभी आज जिन लोगों ने आकर ज्वाइन किया होगा, संभवतः उन लोगों ने कुछ कह दिया होगा, उसको लेकर के ये सभी लोग फिर उत्तेजित हो जाते हैं, तो ये एक सिचुएशन क्रिएट होता रहता है। हम लोग फिर इनको समझा रहे हैं, क्योंकि आम जन की सुविधा के मद्देनजर ही जो इस ग्रुप के जो मेन अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने आम जन की सुविधा के लिए इसको खुलवाया था, और पुनः उनसे हम लोगों ने बात की है, और वो संभवतः आएंगे, इन लोगों से बात करेंगे, समझाएंगे। पुनः चूंकि ट्रैफिक से इनकन्वीनियंस, खासकर जो मेडिकल इमरजेंसी के लोग हैं, उनको बहुत परेशानी होती है, दिल्ली का मेन रास्ता है। किसानों का सर ये कहना है कि हम मेडिकल चीजों के लिए छोड़ देंगे, उनको जाने देंगे, बाकी हम लोगों को आवाजाही तब तक रोकेंगे जब हमारे लोगों को वहां से नहीं। देखिए, लोगों की आवाजाही रोकने से परेशानी फिर आम जन में भी जो इन लोगों के द्वारा क्रिएट हो रही है, वो सब लोग परेशान हो रहे हैं। सब लोग फिर किसान के नेताओं से खुद भी बात करते हैं कि भाई ऐसा हम लोगों के लिए क्यों कर रहे हैं। अब जैसे गाड़ी केवल एम्बुलेंसेस के लिए छोड़ी जाएगी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी गाड़ियां फिर उनके साथ भी आ जाएंगी, तो सेलेक्टिवली ट्रैफिक को मैनेज करना दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम लोगों ने कहा था इनसे, और इन लोगों ने किया भी था। अब फिर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो, उसको हम ठीक करने का। क्या कंफ्यूजन आ रहा है सर, क्योंकि इनका लगातार कहना, कई बॉर्डरों का ये नाम भी ले रहे हैं कि वहाँ हमारे लोगों को रोका गया है, जबकि मेरी जानकारी जो है जहाँ तक है उसमें कहीं किसी को रोका नहीं जा रहा। हमारे जनपद में किसी भी जगह पे इन लोगों ने एक दो जगह कहा भी था, हम लोगों ने छोड़वा दिया, सब लोग यहीं पे साथ में खड़े हैं। देखिए, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने साफ कह दिया है कि यहाँ पे कोई भी बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं उनको नहीं रोका जा रहा है और लगातार उनको आने दिया जा रहा है, वहीं पे जो प्रदेश अध्यक्ष और जो डीसीपी है उनके बीच में जरूर बातचीत हो रही है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सीधे तौर पे वहां पे पहुंच के बात करने की कोशिश करूं कि क्या बातचीत हो रही है। योगेश जी, मैं उनको आवाज जरूर देके उनको सीधा जोड़ती हूँ। योगेश जी, देखिए, बातें जरूर गंभीर लेवल पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पूरे तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया गया है, और जिस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पे मुस्तैद किया जा रहा है, उससे सीधे और साफ तौर पे यही लग रहा है कि यहाँ पे जरूर कोई बहुत जल्दी यहाँ पे किसान उग्र होने वाले हैं और कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे किसान। इसलिए पुलिस जो है हर संभव ये प्रयास कर रही है कि यहाँ पे किसान नेताओं को पहले मना लिया जाए, जिससे किसान मान जाए। योगेश जी, उनको बुलाइए, योगेश जी उनको बुलाइए, लाइव है। क्या बात हो रही है योगेश जी, एडिशनल डीसीपी, डीसीपी, तमाम पुलिस प्रशासन के बड़े पदाधिकारी आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि इसको खोल दो, तो मैंने कि हमारे लोगों को यहाँ आने दो, लेकिन ये तो मना कर दिया इन्होंने, अभी कहा है कि आपके लोग कहीं नहीं फंसे हुए हैं। हम बता रहे हैं वहाँ फंसे हुए, इनसे बात कराइए। हमारे चौधरी दिवाकर सिंह है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी है, इनसे, उनके घर से इंस्पेक्टर बैठे हैं, इनसे बात कराइए। इनसे बात कराइए, पूछो इनको। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि आपके लोग फंसे हुए हैं, लेकिन अरे वो नजरबंद कर दिया है, कहीं कोई लोग नहीं फंसे हुए हैं, तो वो तो झूठ बोल रहे हैं। मैं सीधे पुलिस प्रशासन, रजनीश जी क्या कहना है आपका, जिस तरीके से ये कह रहे हैं, अभी रणविजय जी ने बताया कि नहीं, लोग कहीं नहीं फंसे हुए, इनका तो कहना है कि फंसे हुए हैं। नहीं, कहीं भी किसी भी लोगों को नहीं रोका गया है। हाँ। और शांतिपूर्ण तरीके से इनका धरना चल रहा था, लेकिन अभी इन्होंने रास्ता बंद कर लिया, हम सब लोग इनको समझा रहे हैं, बहुत जल्दी ये रास्ता। देखिए रजनीश जी, आपके और योगेश जी में कोई फासला नहीं है, दो कदम का फासला नहीं है। आप कह रहे हैं कि कहीं नहीं रोका जा रहा है, ये कह रहे हैं कि रोका जा रहा है। मैं एक बार आइए, इंस्पेक्टर साहब बैठे चौधरी दिवाकर सिंह के यहाँ, इनसे बात कराइए। कंफ्यूजन में बात कर रहा हूँ। क्या क्या कंफ्यूजन, कहाँ पर है, कहाँ पे रोका जा रहा है, बॉर्डर का नाम बताएं, कहाँ रोका? बॉर्डर पर नहीं, बॉर्डर पर रोका गया तो कौन सा बॉर्डर बताया था उन्होंने कल रात में? वो जो बता रहे थे, वो ऑलरेडी यूपी गेट पे जो चूंकि ब्लॉक्ड है, तो वहाँ पे ब्लॉक्ड है, तो उधर से कोई अगर जाएगा तो इनकन्वीनियंस क्रिएट होगा, क्योंकि रास्ता तो बंद है वहाँ पे, जो यूपी गेट की बात कर रहे हैं उस रोड पे वो थे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे परेशानी हो गई आगे बढ़ने में, और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मुझे पुलिस ने कहीं किस जगह पे रोका था, तो वहाँ के जिला कप्तान साहब से बात करा के उनको आगे बढ़ाए थे, इनके सामने बात हो रही थी ना, तो आज इंस्पेक्टर साहब बैठे उनके घर, अभी बात हुई है, और एसीपी साहब से बात कराइए, इंस्पेक्टर साहब आज बैठे, तुम दिल्ली नहीं जाओगे। देखिए, जो कन्फ्यूजन है उसको हम लोग रिजोल्व कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, इसे वार्ता कर रहे हैं। मतलब देयर इज सम कन्फ्यूजन, कहीं लोग रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश। एग्जैक्टली। तो
तो ये साफ है कि कहीं लोग जरूर फंसे हुए हैं, कहीं लोगों को रोका गया है, जिसको यहाँ पे खुद एडिशनल डीसीपी ने कहा है कि यहाँ कुछ कंफ्यूजन जरूर है, कहीं लोग फंसे हुए हैं, अब उनको जो है प्रयास किया जाएगा कि उनको यहाँ पे जल्द से जल्द ले आया जाए, जिससे कम से कम जो चिल्ला बॉर्डर है उसको खोल दिया जाए। यहाँ लोगों की आवाजाही अब रुक गई है और सुबह का नाश्ता भी यहाँ चिल्ला बॉर्डर पे आ गया। क्या नाश्ता मिल रहा है बाबा? ये खिचड़ी है, इसमें सब सामान पड़ा हुआ है, गोभी भी है, आलू है, टमाटर, सब चीज पड़ी हुई है। बॉर्डर पे मुस्तैद होने के लिए पूरा पौष्टिक आहार ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से। कब तक की तैयारी है यहाँ पे बने? ये सरकार से आर पार की लड़ाई होगी तब तक तैयार है, यहाँ पर हम अटके नहीं जाएंगे। देखिए कि बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो चाहे बड़े हो कोई भी हो, लगातार लोग यहाँ पे पूरे मुस्तैदी के साथ हैं। और देखिए हमारे साथ जो लोग हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं, और जो आप लोग डंडा वंडक साथ है, लगातार प्रशासन और आपके अध्यक्ष के बीच में भी बातचीत हो रही है। कंफ्यूजन है कहीं कि लोग रुक गए, अब तो उनको शायद आने दिया जाएगा, तो क्या बॉर्डर आप खोल देंगे? ये बिल्कुल झूठ और भ्रामक बात है, क्योंकि ये कई बार इस तरीके से बोल चुके हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने जब गेट बंद वाला खोला था उस टाइम भी इन्होंने बोला था कि आपके लड़कों को आने दिया है, उसके बाद भी हमने दोबारा खोल दिया मानवता के नाते, दूसरा गेट खोल दिया, लेकिन ये जानबूझ के हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। जगह जगह हमारे आंदोलन को कुचलने की साजिश की जा रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल बैठे हुए हैं, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ पे 3 दिन से भूख हड़ताल बैठा हुआ हूँ, लेकिन प्रशासन के कान पर जूनी रंग रही है। आज भी आप भूख हड़ताल? बिल्कुल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पे हैं और मैं पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पे हूँ। मैंने सिर्फ पानी पी के हम लोग काम चला रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जूनी रंग रही है, कोई आज तक हमसे मिलने नहीं आया। देखिए प्रशासन के ऊपर भी अब आरोप लगने लगा है कि प्रशासन जो है वो पहले भी इस तरीके की बातें कर चुकी थी कि आप इस तरीके आंदोलन को खत्म कर दे, बॉर्डर को खोल दे और फिर आप जो है लोगों को आने जाने दे। लेकिन देखिए कि ट्रैक्टर जो किसानों को होता है, ट्रैक्टर को ये लोग डाइनिंग टेबल भी बना दिया है, ट्रैक्टर पे ही भोजन हो रहा है। क्या करें, ट्रैक्टर पे ही भोजन है, क्या करें, जगह ही नहीं खाने के लिए, नहीं खा रहे, बैठ के आराम से बैठे खा रहे, क्या करें, तो खिचड़ी से पेट भर रहा है। नहीं ये भी नहीं होगा, बिल पेट भर रहा हमारा। किसान इतने भाई मारे हैं, इनको देख के पेट भर जाता है, ये तो मजबूरी खा रहे हैं अपने टाइम पास करने के लिए। अच्छा, तो देखिए कि ट्रैक्टर जो है वो डाइनिंग टेबल भी बन गया है किसानों के लिए, क्योंकि किसानों के पास इस वक्त कोई विशेष सुविधा नहीं है, सुबह के नाश्ते में खिचड़ी बन गई। हालांकि प्रशासन और किसानों के बीच में लगातार बातचीत चल रही है, और बातचीत में सीधे तौर पे जिस तरीके से आपने देखा कि जो प्रदेश अध्यक्ष है किसान समूह के, वो साफ तौर पर पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनके लोगों को रोका जा रहा है और नहीं आने दिया जा रहा। पुलिस प्रशासन लगातार बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी ये मान लिया है कि कहीं कुछ कंफ्यूजन है और लोग रुके हुए, कहीं फंसे हुए। जी तो लगातार जो यहाँ पे चिल्ला बॉर्डर पे अब ये संभव है कि चिल्ला बॉर्डर को खोल दिया जाएगा। अब हम सीधा किसान रिपोर्टर हमारे धर्मवीर जी के पास हम रुक करेंगे। हालांकि चिल्ला बॉर्डर से लगातार आपको नजारा दिखाते रहेंगे कि कब ये बॉर्डर खुलता है। ओवर टू यू धर्मवीर जी। जी प्रिया मैडम, आप देखो परसों जो न्यूज चलाया जा रहा था चैनलों पे कि चिल्ला बॉर्डर पे वो चले गए हैं, उन सरकार को समर्थन दे दिया है। आज आप खुद ही देख लो, आज खुद ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप। वो जो थे, एक दो थे वो जो सरकार के दबाव में आके उनके संबंध होंगे, वो उस वजह से वो वहाँ से चले गए थे। सारे बॉर्डर सील हैं, सारे बॉर्डरों पे वही जाम बिल्कुल लगा हुआ, ट्रैफिक का कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा है, और जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है उसको हम रोक भी नहीं रहे। ये हमारे साथ में बैठे हुए हैं, देखो फौजी आए हुए हैं कुछ यहाँ अपना समर्थन देने के लिए आंदोलन को। आप बताएं भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ, और सैनिक में बाद हूँ, पहले किसान का बेटा हूँ। जिस तरह मैंने 16 साल फौज में धरती माँ की सेवा की है, उसी तरह आज इस दिल्ली के मैदान में तन मन धन और खून सब कुछ न्योछावर करके ही जाऊंगा। देखा देखा मैडम, ये देखो खून देने को भी तैयार हैं, यहाँ जो फौजी हैं कह रहे हैं कोई भी रक्त कैंप की किसी की जरूरत पड़ेगी तो हम चलाएंगे। ये पूर्व फौजी हैं, और ये जो 65 की जंग लड़ी है, अभी उनसे भी बात कराते हैं। हमारे हैं बुजुर्ग हैं, पंजाब से आए हुए हैं, उत्तराखंड से, बेसिकली उत्तराखंड से आए हैं, उत्तराखंड रहते हैं ये। देखो इनसे आपकी बात करवाते हैं, 65 की जंग लड़े हुए आए, जीती भी है। ये बैच देख लो, ये इनको तमका मिले हुए हैं, ये मेडल मिला हुआ है, ये देखो रक्षा मंत्री ने दिया हुआ है, ये देखो ये सरकार ने दिया। अब ये इसको देने आए हैं, अगर सरकार नहीं सुनेगी, ऐसे तानाशाही रवैया करेगी तो ये वापस कर देंगे इनको, इनकी जबानी सुने। हाँ जी, नाम है देसा सिंह जी, पीलीभीत से आ रहे हैं हम। पीलीभीत, हम 1965 की लड़ाई में जंग में हिस्सा लिया है। अब काश्तकारों को जो हमारा अन्नदाता सड़कों पर रो रहा है, अब इनके युद्ध में आ रहे हैं हम।
और हमारी रिक्वेस्ट है जल्दी तो जल्दी ये कानून अपने काले वापस ले लें, नहीं तो ये दिन से दिन ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। सरकार जल्दी से जल्दी इनकी अगर बोलते हैं तो उसको मजबूरी न समझे कि ये परेशान होकर जल्दी से जल्दी बोल रहे हैं। जल्दी से जल्दी का मतलब है कि हम इनकी वजह से आम लोगों को परेशानी ना हो, बस और कोई बात नहीं है। इस वजह से जल्दी बोल रहे हैं और बोलते हैं कि हम 6 महीने का राशन भी साथ लेके आए हैं, अगर सरकार ऐसे ही अपनी जिद पड़ी रही तो हम झुकने वाले भी नहीं है, तो इसको मजबूरी ना समझे जल्दी से जल्दी को। और आप बताएं भाई साहब कहाँ से आए? देखियो लाल बहादुर, हम मुरादाबाद से आए, मुरादाबाद के यशपाल सिंह नाम है। हम ये कह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने हमें एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। इस सरकार ने जवान को और किसान को आपस में लड़ाने की कोशिश करी है। लड़ किसान, लड़ जवान, और मर किसान और मर जवान। तो हम उसे नारे को फिर बुलंद कर रहे हैं, जय जवान, जय किसान और जय हिंदुस्तान। हाँ, हम देखो फिर भी किसानों के दिल में इतना रहता है कि उन्होंने साथ ही बोला जय हिंदुस्तान। और आप थोड़ा सा बताएंगे भाई साहब, आप जेपी मिश्रा, आपकी नेम प्लेट में लिखा हुआ है सर, आप कहाँ से रिटायर हैं? वेटरन्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लास्ट में हम जो है कि अलवर से रिटायर हैं, और हम पूरे संगठन के साथ हम समर्थन देने के लिए आए हैं, और हमारा संगठन पूरे देश में है और हम किसानों के साथ हैं, और किसान आंदोलन जल्दी से जल्दी खत्म करके किसानों की बात नहीं मानती है तो हम इन किसानों के साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, देखा। अब आप भाई साहब बताएंगे कहाँ से आए? मैं भेटन एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ, मैं उड़ीसा से आया हूँ, मेरा नाम कालीचरण प्रधान है। हम किसान भाइयों के साथ में खड़े हैं, जब तक सरकार ये तीनों कानून को वापस नहीं ले जाता तब तक हम किसान भाइयों के साथ खड़ा रहेंगे। धन्यवाद। देखा आपने मैडम कि यहाँ कोई एक स्टेट नहीं है, कई स्टेटों के। हाँ, ओवर टू यू शालिनी। बिल्कुल, तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हम कृषि कानूनों को किसानों को समझाने की करेंगे कोशिश, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार संवेदनशील है, किसानों को लेकर के सरकार है संवेदनशील। मुख्तार अब्बास नकवी का ये बड़ा बयान इस वक्त का सामने आया है। एक तरफ गतिरोध, तमाम किसान बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, और वही दूसरी तरफ मुख्तार अब्बास नकवी का ये बड़ा बयान, वो कह रहे हैं किसानों को लेकर के संवेदनशील है सरकार, और इस गतिरोध को दूर करने के लिए किसानों के साथ बातचीत की जाएगी। क्या कहा है मुख्तार अब्बास नकवी ने, वो भी सुनाते हैं आपको। अगर फिर भी कुछ लोगों में, कुछ भाइयों में, कुछ कृषक भाइयों में किसी भी तरह का भ्रम है, तो उस भ्रम को किसी ने भ्रम पैदा भी किया है तो सरकार ने उसमें कोई अहंकार नहीं दिखाया। सरकार ने कहा कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आपके अंदर, आपके दिमाग में किसी भी तरह का भ्रम है उसको हम दूर करेंगे। और उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि जो उनके मुद्दे हैं उन मुद्दों के प्रति सरकार संवेदनशील भी है, उसके समाधान की दिशा में उसने आगे कदम भी बढ़ाया है। तो सरकार की बात तो आपने सुन ली, मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं ये भी आपने सुन लिया, लेकिन किसान क्या कह रहे हैं? प्रत्युष का मैं सीधा रुख कर रही हूँ, क्योंकि प्रत्युष इस वक्त जहाँ पर मौजूद है वहाँ एक बड़ी चौपाल होने वाली है, और उनके साथ किसान संवाददाता भी मौजूद है। प्रत्युष, ओवर टू यू। कंजावला, और यहाँ पर एक महापंचायत लग रही है, हालांकि अभी किसानों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन थोड़ी देर में और किसान भाई यहाँ पर जुटेंगे। दरअसल इनका कहना है कि ये जो कानून है, ये जो तीन कानून है जिसको लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है, वो तीनों के तीनों कानून हमारे पक्ष में है, हमारे हक में है, इसमें इस बदलाव की जरूरत नहीं है, ना ही इस कानून को वापस लेने की जरूरत है। कुछ किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि जी हिंदुस्तान लगातार किसान की आवाज उठा रहा है, और हमने जो किसान रिपोर्टर, हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ है जिसमें सीधे किसान किसान से बातचीत करता है, उनके सवाल उनके जवाब, वो खुद रिपोर्टर होता है, और आज जो महाचौपाल महापंचायत यहाँ पर बैठ रही है इसमें पक्ष और विपक्ष में तर्क रखे जाएंगे कि जो किसान विरोध कर रहे हैं वो अपना खुलकर तर्क रखेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, जो किसान इनके समर्थन में है वो भी खुल करके अपना पक्ष रखेंगे, ताकि पूरे देश को, हिंदुस्तान को पता चले कि आखिर बिल में है क्या, विरोध की वजह क्या है, इसका समर्थन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सारी चीजें बिल्कुल पारदर्शी तरीके से शीशे की तरह साफ होनी चाहिए पूरे देश के सामने। और हमारे साथ है हरीश चंद्र जी, जो कि यहाँ पर 17 गांव के प्रधान हैं, और ये देखिए बिल की कॉपी इनके पास है और ये इसको अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ताकि और अच्छे से इसको समझा सके। हरीश चंद्र जी, मैं चाहूंगा
कि आप इस बिल के बारे में बताइए और मैं आपको बता दूं कि ये मैं ईपी आपको देता हूं, अब आपको ही बात करनी है। वहां से कुछ किसान भाई जुड़े हैं, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे, उसके जवाब आपको देने होंगे, ठीक है हरिश्चंद्र जी? सवाल जवाब देंगे। पहले ये बताइए कि इस बिल में क्या है जिसके समर्थन में पक्ष में है किसान? देखो जी, इसमें ये है कि किसान अपनी उपज को कहीं बेच सकता है। पहले ऐसा था कि एक जगह चले गए, मुद्दा बिका या तेज बिका तो वो बेच के आ जा करता। अब इस बिल में ये है भाई, हमारी मर्जी होगी तो बेचेंगे और नहीं होगी तो हम नहीं बेचते। अच्छा। बेचेंगे खुले में बेचेंगे। हाँ। एक तो ये है। दूसरा, अब जो है किसान को जो है लूटा जा रहा था, उस लूट से बचाने के लिए मोदी जी ने कहा है, ये कानून लाया है मोदी जी कि भाई जो एजेंट होते थे पहले, कमीशन एजेंट उनको बोलते थे, आरटी, वो तुलाई भी लेते थे, कटाई भी लेते थे और जो धराई थी वो भी लेते थे, सब कुछ वो इस किसान की जगह जो है वो सारी की सारी कमियां जो करते थे वो किसान में डाले जाते थे, जो कि गलत है। क्योंकि जब जब हम अपनी फसल को ले जाते हैं उसमें उसकी वो अच्छा। हरीश जी, मैं चाहूंगा कि ये आप ईपी कान में लगाएं और आपको जो भी वहां से सवाल होंगे उनके जवाब आपको देने होंगे। आप उठ पाइएगा, उठ किसान भाइयों से बात कर पाइएगा, कर लेंगे। लीजिए माइक पकड़िए, आप माइक पकड़िए और ये मैं ईपी आपको लगा रहा हूँ, जी। हाँ जी ठीक है। आदरणीय मनोज चौकी, पूर्व विधायक मुंडका विधानसभा, पूर्व जिलाध्यक्ष भद्रम शुक्ला जी का स्वागत करेंगे पगड़ी बांध के। अरे डट जान है, दलवीर दो मिनट रुक जा। हमारा पक्ष ये है कि सरकार ने जो ये कानून लाया है वो बहुत बढ़िया है, इसे किसानों को लाभ होगा और ये जो कुछ लोग जो बहकावे में आ रहे हैं उनका हम बायकॉट करते हैं और निकट गए कान मत है। बिल वापस हुए तो हमें आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। हाँ जी हेलो, कुछ ना जवाब देते भाई, आवाज नहीं आ रही। हम बोलने के लिए तैयार हैं लेकिन ये चल तो नहीं रहा। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।